गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.7 एंड 4.8। ओके, सो द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। क्या करना है आपको यहाँ पर? सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज 351,743 एंड 221,301। तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है, और जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमने ऐड किया 3 and 1 4, 4 and 0 4, 7 and 3 10, कैरी 1 1 1 2 1 3, 5 and 2 7, 3 and 2 5, ठीक है। अब इसको क्या लाएंगे, हम यहाँ ले आएंगे और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 219,254। तो देखिए 4 minus 4 is 0, यहाँ पर हमने क्या किया, कैरी लिया, तो कितना हो गया ये 14, देन 14 minus 5 is 9, और यहाँ पर जब हमने इससे कैरी लिया तो यहाँ क्या रह गया, 9 9 minus 2 is 7, और यहाँ पर क्या रह गया 12 2, तो 2 से यहाँ से कैरी लिया 12 हुआ, 12 minus 9 is 3, एंड 6 minus 1 is 5, एंड 5 minus 2 is 3। ओके, सभी क्वेश्चंस में सेम प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी कुछ भी अलग नहीं है। नेक्स्ट इज 5,31,296 प्लस 3,17,175। तो हमने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आता है 8,48,471, और फिर हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 60,178। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, देखिए 1 में से 8 नहीं माइनस हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे। तो जब हम इससे कैरी लेंगे तो यहाँ तो इसके पास एक कम हो जाएगा और इसके पास एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ 11, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 6, ठीक है। तो 11 minus 8 is 3। अब जब यहाँ पर 6 में से अभी 7 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम 4 से कैरी लेंगे, तो 4 की यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 3 3, यहाँ पर कितना हुआ 16। तो 16 में से जब हम 7 माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा 9। यहाँ 3 minus 1 is 2, 8 minus 0 is 8। अब फिर दोबारा से यहाँ पर हम कैरी लेंगे क्योंकि 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता है, तो जब हमने इससे कैरी लिया तो यहाँ क्या 14 minus 6 = 8, एंड यहाँ पर क्या रहा आपका 7। तो आपका आंसर हुआ 7,88,293। इसको भी सेम इसी तरह से करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, और जब इसका आंसर आया हो तो हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन ई इसका आप अपने आप से कर लीजिए, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 4.8, ठीक है। द क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 67,295। इफ वन नंबर इज 35,487, फाइंड द अदर नंबर। आपको कह रहा है कि टू नंबर्स का सम कितना है आपका, 67,295 है। अगर उसमें से एक नंबर आपके पास ये है तो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं कि दूसरा नंबर क्या है हमारा, एक्स है, ठीक है। बाकी हमने यही लिखा है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड वन नंबर इज दिस। तो हमने जब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे ना, एक्स प्लस 35,487 को ऐड किया हमने, तो आंसर आता है हमारा 67,295, ठीक है। कह रहा है ना सम ऑफ टू नंबर्स, तो सम ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं, ये वाले हैं दोनों, ठीक है, वन नंबर एंड द अदर नंबर, ठीक है। तो x प्लस हमने ये कर दिया। अब हम x इक्वल टू फाइंड करेंगे 67,295 minus 35,487। जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31,808, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन। अगर एक गांव की, एक टाउन की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है आपकी 5,75,173 है, अगर उसमें मेल मतलब कि आदमी कितने हैं, 3,58,745 हैं, तो फीमेल बतानी है कि, और मतलब वुमेन्स गर्ल्स कितनी है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कितनी है टाउन की, इतनी, और नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, इतने। तो जब हमें टोटल पॉपुलेशन पता है और हमें नंबर ऑफ मेल्स पता है, तो फीमेल माइनस फीमेल्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ मेल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने यहीं पर यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर आता है हमारा 2,16,428। क्वेश्चन 3 आपको खुद से करना है, क्वेश्चन 4 भी आपको खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर आर 73,280 एप्पल्स इन एन ऑर्चर्ड। एक ऑर्चार्ड में कितने एप्पल्स हैं, इतने, ठीक है। उसमें से इतने एप्पल हमने क्या किए, पेड़ से लिए हैं, पिक फ्रॉम द
ट्रीज एंड 4,476 फेल डाउन इन अ स्टॉर्म, एक आंधी में मतलब 4,476 एप्पल्स गिर गए। हाउ मैनी एप्पल्स वर लेफ्ट ऑन द ट्रीज, तो पेड़ पर कितने आम कितने सेब बचे। ठीक है, तो देखिए टोटल कितने थे, 73,280 थे, इतने इन्होंने पिक्ट किए मतलब तोड़ लिए, ठीक है पेड़ों से, तो कितने लिए 48,740, ठीक है। और आंधी मतलब आंधी में कितने गिरे थे 4,476। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों एप्पल्स को, इन दोनों नंबर ऑफ एप्पल्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनको पिक्ड एंड फॉलन मतलब जो चुने हैं और जो गिरे हैं उनको हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या रहता है, 53,216। कितना रहता है, 53,216। टोटल कितने एप्पल्स थे आपके पास, 73,280, ठीक है। तो अब जब आपको लेफ्ट एप्पल्स बताने कि लेफ्ट एप्पल्स ट्री पर कितने हैं, तो 73,280 माइनस 53,216 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर क्या रहता है, 20,064। ओके, तो पेड़ पर आपके मतलब लेफ्ट ऑन द ट्रीज कितने थे एप्पल, 20,064। क्वेश्चन 6 आपको खुद से करना है, अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। और इन क्वेश्चंस को जो मैंने छोड़े हैं इनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। होप यू विल बी अंडरस्टैंड, थैंक यू।